नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित में पहला जो चैप्टर है परिमेय संख्या, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शून्य एक खाली जगह संख्या है। तो जीरो कैसी संख्या है, ये हम लोग को इसमें से चुनना है। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहते हैं किसको है, गिनती की जो संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। ये कहां से स्टार्ट होता है, एक से, एक दो तीन चार, और इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, ये जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो एक दो तीन चार एंड सो ऑन। इसके बाद परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है। पी और क्यू जहां पर पूर्णांक होता है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होता है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो पूर्णांक किसको बोलते हैं, तो पूर्णांक का मतलब होता है ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होता है। मतलब हम लोग ऐसे ऐसे करें, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक और जीरो, एक दो तीन एंड सो ऑन। पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्णांक निगेटिव मैंने ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, मतलब माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, इधर से भी चलेगा, उसके बाद जीरो, एक दो तीन और आगे बढ़ता जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। तो पी और क्यू दोनों इसी फॉर्म में होगा, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां पे मेरा क्वेश्चन था कि शून्य एक खाली जगह संख्या है, तो ये हो गया मेरा पूर्ण संख्या भी है और ये पूर्णांक में भी है। इसका मतलब कि पूर्ण भी है, परिमेय भी है, तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो लेते हैं, माइनस दो निम्नलिखित में क्या है, माइनस दो निम्नलिखित में क्या है, पहला है प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृत संख्या कहते हैं किसमें, एक दो तीन चार से स्टार्ट होता है, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या इसमें जीरो एक लगा देते हैं, तो जीरो एक दो तीन चार एंड सो ऑन, मतलब आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्णांक, तो इसमें ऋणात्मक और धनात्मक संख्या साथ में जीरो भी शामिल होता है। तो यहां हमारा माइनस दो जो है ये है नहीं, ये है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूर्णांक। तो माइनस दो निम्नलिखित में क्या है, तो पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर तीन कहता है, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से खाली जगह है होती है, इसमें हम लोग को भरना है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि ये नंबर लाइन है, यहां पर बीच में जीरो है, तो जीरो के दाहिनी ओर इधर होता है धनात्मक और इधर होता है ऋणात्मक, तो बाईं ओर ऋणात्मक और दाहिनी ओर धनात्मक। तो पूछता है प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है, छोटी होती है, समतुल्य होती है। तो नंबर लाइन पे जैसे जैसे हम लोग दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो वो बड़ी होगी, और बाईं ओर जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे छोटी होती जाएगी। तो बाईं ओर चलेंगे मतलब जीरो के बाईं ओर इधर चलेंगे तो निगेटिव, तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे बाईं ओर तो संख्या छोटी होती जाएगी, और जैसे जैसे नंबर लाइन पे इधर बढ़ेंगे वो संख्या बड़ी होती जाएगी। तो पूछता है प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से, तो शून्य यहां पर है तो शून्य धनात्मक इधर दाईं ओर है, तो कैसी संख्या होगी, तो वो बड़ी होगी। तो इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है, माइनस दो बटा तीन के समतुल्य परिमेय संख्या निम्नांकित में कौन होगी। समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए या तो हम लोग इसमें सेम नंबर से अंश में और हर में गुना करते हैं, या सेम नंबर से उसी नंबर से भाग भी देते हैं अंश को या हर को। हम लोग के पास यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे, यदि हम लोग इसको दो से गुना करते हैं तो कितना होना चाहिए, माइनस दो बटा तीन गुने दो बटा दो, अंश में भी दो से गुना किए हर में भी किए, तो माइनस चार बटा छः। तो यहां पर है माइनस चार बटा माइनस छः, ये तो होगा नहीं, इसमें देखेंगे इसको दो में कितना से गुना करेंगे तो नौ आएगा, किसी से नहीं, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, ये यहां पे माइनस आठ है, तो इसको हम लोग यदि माइनस दो बटा तीन को यदि चार से गुना कर देते हैं ऊपर में भी और नीचे में भी,
तो ये मेरा हो जाएगा माइनस आठ और ये हो जाएगा बारह। माइनस आठ बटा बारह इसका मतलब ये आंसर होगा। 36 बटा माइनस चौबीस का मानक रूप निम्नलिखित में कौन होगा? तो जब मानक रूप निकालने के लिए हम लोग अंश और हर का मौसा निकाल लेते हैं, तो 36 और 24 का मौसा कितना होगा? तो 36 और 24 का मौसा हो जाएगा मेरा 12। 12 से हम लोग ऊपर अंश को भी भाग दे देंगे और हर को भी भाग दे देंगे, तो इसका मतलब है 36 और 24 का मौसा हो गया मेरा मौसा बराबर 12 हो गया। अब ऊपर में 12 से भाग, अंश में भी 12 से भाग और हर में भी 12 से भाग दे देंगे, तो हम लोग इसको लिखते हैं 36 भागा 12 और नीचे है माइनस 24, माइनस 24 भागा 12, तो ये हो गया मेरा 3 बारतियां 36 और 12 दूनी 24। अब मानक रूप में हर जो है वो हमेशा धनात्मक होता है, हर हमेशा धनात्मक होता है, तो यदि हम लोग इसको हर को धनात्मक करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 बटा 2। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर है नहीं ये 3 बटा 2, यहां पे माइनस है भी नहीं, ये भी नहीं हो गया, यहां पर दोनों में माइनस है तो ये होगा नहीं। यहां पर देखेंगे 3 बटा माइनस 3 बटा 2 यही सेम चीज है, इसलिए आंसर होगा हमारा सी। तो इस तरह से हम लोग आज टोटल 5 क्वेश्चन को देखे। अगले वीडियो में हम लोग इसके परिमेय संख्या से संबंधित और भी बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। तो आज हम लोग बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।